क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर का एंट्री भी होता है, पेपर किन भाषाओं में आ सकता है, कौन कौन इसको दे सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप समझे जो पोस्ट का नाम है वो कॉन्स्टेबल इन वेस्ट बंगाल पुलिस। और तो कॉन्स्टेबल जो आरक्षी जैसे यूपी पुलिस होती है वैसे ही, इसमें यहां पर जनरल में जो अलग अलग कैटेगरी है उन सब में वैकेंसी दे रखी है, आप सब देख सकते हैं अच्छे से। टोटल यहां पे जब आप लास्ट में देखेंगे तो वैकेंसी आपको मिलेंगी 11,749, जिसमें 3,537 महिलाओं के लिए और 8,212 पुरुष के लिए। तो मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, याद रखिएगा, मतलब किसी भी राज्य का नागरिक, किसी भी राज्य का व्यक्ति इसको फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में आपको भारत का नागरिक होना माना। उसके बाद में यहां पर जो आयु है वो जनरल के लिए 18 से 30 वर्ष, जैसे हम यूपी हरियाणा वगैरह में देखते हैं तो आयु बहुत कम होती है 18 से 22, यहां 18 से 30 वर्ष आयु होती है। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो 5 साल की छूट, और अदर बैकवर्ड क्लास ए, अदर बैकवर्ड क्लास बी, ये सब कुछ है तो साथ ही आपको 3 साल की छूट इसमें दी गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहां पर आपको हाइट वगैरह, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के जनरल वगैरह, 167 सेंटीमीटर हाइट है, और अपने यूपी से भी कम अगर आप देखेंगे, वेट 57 kg कम से कम, 78 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंसर बिना फुलाव के चेस्ट, 83 सेंटीमीटर फुलाव के चेस्ट, फुलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए। गोरखा गढ़वाली राजवंशी या शेड्यूल ट्राइब है तो हाइट 160 सेंटीमीटर। बाकी सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, और शेड्यूल ट्राइब गोरखा गढ़वाली राजवंशियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। वजन भी है, लड़कियों के लिए 49 kg वजन। तो बहुत सारी बहनें ये कहेंगे भैया 49 kg ज्यादा हो गया, आजकल वजन कम करने का जमाना चल रहा है। बेटी खाओ पियो, कुछ ना धरा वजन कम करने में, पुलिस वाली बनोगी कैसे, चोरनियों को पकड़ोगी तुम, लेडी अपराधियों को कैसे पकड़ोगी, तुम अदर कतर बिल्कुल खत्म हुई कैसे उनको दौड़ भाग के पकड़ोगी, खाओ पियो दूध दही एकदम तगड़ी रहो। थर्ड जेंडर जो होते हैं अन्य लिंग, उनके लिए 163 सेंटीमीटर, गोरखा गढ़वाली राजवंशी इत्यादि है तो 155 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट। अब आ जाता है इसमें दौड़ भाग। यदि आप पुरुष कैंडिडेट है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड, 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाएं तो 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है भैया। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से इसमें दौड़ भाग है। अब रिक्रूटमेंट में क्या है, सबसे पहले रिटेन टेस्ट होना है, सबसे पहले क्या होना है, रिटेन टेस्ट होना है, सबसे पहले रिटेन टेस्ट होना है पहला। ये 85 नंबर का रिटेन टेस्ट है, 85 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के, 85 नंबर का। उसके बाद में आपकी दौड़ भाग और नापतोल होनी है, और उसके बाद में इसमें 15 नंबर का इंटरव्यू होना है। उसके बाद में क्या होना है, 15 नंबर का इंटरव्यू। रिटेन जो है वो 85 नंबर का है, 4 सब्जेक्ट है, ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर आधारित ऑफलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में, 85 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और अगर आप गलत करते हैं तो आपको साथ ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका सिलेबस वगैरह इन्होंने अच्छे से दे रखा है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, रिटेन एग्जाम के जो मार्क्स होंगे, 85 नंबर के जो मार्क्स होंगे वही मेरिट लिस्ट में होगा, और जो ये आपका पीए फिजिकल वगैरह है ये केवल और केवल क्या है, आपके लिए क्वालिफाइंग है। उसके बाद में 15 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी है, फिर साथ ही आपकी फाइनल मेरिट लगेगी 100 में से। एक बात याद रखिएगा, जो आपका पेपर आएगा इसमें इंग्लिश वाले पेपर को छोड़कर, इंग्लिश भी इसमें 10 नंबर की आती है, मैथ रीजनिंग और जीके का जो पेपर होगा वो बंगाली और नेपाली भाषा में आएगा, बंगाली और नेपाली। तो बाकी राज्यों के बच्चे इससे इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि इसमें पेपर बंगाली और नेपाली भाषा में आता है, मैथ रीजनिंग और जीके का। तो अब आपको मतलब बंगाली नेपाली कम आती है, नहीं आती होगी तो दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश में भी आता तो भी काफी फायदा रहता। इसमें जीके 25 नंबर की, गणित 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, गणित 10वें स्तर का, तो 75 नंबर के तो 3 सब्जेक्ट हो जाते, 10 नंबर की इंग्लिश है, कुल मिला के 85 क्वेश्चन 85 नंबर के। इसमें जीके मैथ और रीजनिंग फिर से सुन लीजिए बंगाली और नेपाली भाषा में, बाकी इंग्लिश केवल इंग्लिश में आएगी, जो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन टू लैंग्वेज, बंगाली एंड नेपाली।
इस चीज को आप लोग ध्यान दें। उसके बाद में इंटरव्यू 15 नंबर का, जो लोग दौड़ भाग में कामयाब होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको बंगाली या नेपाली भाषा है ये बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, इसका ही इंटरव्यू के दौरान आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर रिटेन में एग्जाम और इंटरव्यू 85+15 नंबर के टोटल 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन वगैरह मेडिकल, और उसके बाद में आप ज्वाइन कर रहे होंगे। कुल मिलाकर ₹170 इसकी फीस है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मात्र ₹20 फॉर्म की फीस है। तो जितने भी अपने साथी वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल त्रिपुरा इत्यादि में जहां पर, या नेपाल में, इन सभी जगह जहां भी वेस्ट बंगाल पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म भरिएगा अच्छे से। फीस ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट भी बहुत इजी है। हालांकि हम अभी बहुत ही इसमें आपसे माफी चाहते हैं कि हम आपको बंगाली और नेपाली भाषा में भी प्रिपरेशन नहीं करवा पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर बंगाल का कोई लिंक मिल गया वहां के किन्हीं टीचरों से तो हम आपको जरूर सुविधा देंगे। बाकी रेलवे के लिए हमारे से बहुत सारे साथी बंगाल से जुड़े रहते हैं, तो अगर आपको कोई एलिजिबिलिटी इत्यादि से संबंधित हो तो आप जरूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोई भी राज्य हो भारत का, हमारे दिलों में बसता है कोना कोना। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी है, सिलेक्शन लीजिए। इतना टफ नहीं आता है, बहुत ही जनरल। अगर ये इंग्लिश में भी होता, मान लो हिंदी में तो नहीं आता पेपर क्योंकि वहां की राजभाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश में भी आता तो हम बहुत मदद कर पाते, पर इसमें इंग्लिश इंग्लिश में आएगी। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, ये बंगाली और नेपाली दो भाषा में, तो हम थोड़ा सा ऐसा है महसूस कर रहे हैं। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। एग्जामपुर के साथ बने रहिएगा। रेलवे इत्यादि की तैयारी अगर आप हमसे करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।